हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। यहाँ पर जिस वीडियो में जुलाई 2023 में 15 सबसे ज्यादा बेचे जाने वाले स्कूटर्स के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, यानी कि 15 वो स्कूटर्स कौन से हैं, किस कंपनी के हैं, जिनकी बिक्री जुलाई 2023 में सबसे ज्यादा हुई है, या भी कह सकते हैं सबसे ज्यादा लोगों ने इसे खरीदना पसंद किया है। जैसे कि हो सकता है कि अभी सेलिंग्स के बेस पे कोई स्कूटर खरीदने की सोच रहे होंगे, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। इसके साथ ही आपको ये भी बताऊंगा इसके पिछले महीने यानी कि जून 2023 के मुकाबले में जुलाई 2023 में इसकी क्या पोजीशन हो गई है, ये पहले किस पोजीशन पे थी, इसमें किस पोजीशन पे हो गई है, इसकी बिक्री में कितने परसेंट की बढ़ोतरी या फिर कमी आई है, ये भी जानकारी आपको देते चलेंगे। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। यहाँ पे इस लिस्ट में जो 15th नंबर पे है हीरो कंपनी की मेस्ट्रो है, हालांकि पिछले महीने यानी कि जून में इसी पोजीशन पे थी और इसके जुलाई 2023 में टोटल 2229 यानी 2229 यूनिट मेस्ट्रो की बिक्री हुई है, जबकि पिछले महीने के मुकाबले में 10.84% की इसकी बिक्री में कमी आई है। वहीं इस लिस्ट में जो 14th नंबर पे हीरो कंपनी की डेस्टिनी 125 है, ये पिछले महीने 12th नंबर पे थी, इस महीने थोड़ी सी पीछे चली गई है, क्योंकि इसके जुलाई 2023 में टोटल 7194 यानी 7194 यूनिट स्कूटर्स की बिक्री हुई है और पिछले महीने मुकाबले में 6.20% की इसकी बिक्री में कमी भी आई है। वहीं इसी लिस्ट में जो 13 नंबर पे है, ये भी पिछले महीने इसी नंबर पे थी, जो कि टीवीएस कंपनी के जेस्ट है, 110 सीसी में स्कूटर आती है और इस जुलाई 2023 में इसके टोटल 7296 यानी कि 7296 यूनिट स्कूटर्स की बिक्री हुई है, पिछले महीने मुकाबले में 23.89% की इसकी बिक्री में बढ़ोतरी भी देखी गई है। इस लिस्ट में 12th नंबर पे सुजुकी कंपनी की अवेनिस है, पिछले महीने 10वें नंबर पे थी, इस महीने थोड़ी सी पीछे चली गई है, क्योंकि इसके जुलाई 2023 में टोटल 7818 यानी कि 7818 यूनिट स्कूटर्स की बिक्री हुई है, पिछले महीने मुकाबले में 4.51% की इसकी बिक्री में कमी देखने को मिली है। 11th नंबर पे हीरो कंपनी की प्लीजा प्लस है, ये पिछले महीने भी इसी नंबर पे थी और इसके जुलाई 2023 में टोटल 8379 यानी कि 8379 यूनिट स्कूटर्स की बिक्री हुई है, जबकि पिछले महीने मुकाबले में 6.71% की इसकी बिक्री में बढ़ोतरी भी देखी गई है। इस लिस्ट में जो 10th नंबर पे होंडा कंपनी की डीओ 125 है, जिसको इंडियन मार्केट में कुछ टाइम पहले अभी लॉन्च किया गया है और इसकी बिक्री काफी अच्छी इस महीने देखने को मिली है और इसके जुलाई 2023 में टोटल 8431 यानी कि 8431 यूनिट स्कूटर्स की बिक्री हुई है। बाकी इस लिस्ट में जो 9th नंबर पे है हीरो कंपनी की जूम है और ये पिछले महीने भी इसी नंबर पे थी, 110 सीसी में ये स्कूटर आती है और इसके जुलाई 2023 में टोटल 8673 यानी कि 8673 यूनिट जूम की बिक्री हुई है, लेकिन पिछले महीने मुकाबले में 2.83% की इसकी बिक्री में कमी आई है। इस लिस्ट में 8th नंबर पे यामाहा कंपनी की फसिनो है, 125 सीसी में स्कूटर आती है, पिछले महीने 7th नंबर पे थी, इस महीने थोड़ी सी पीछे चली गई है, क्योंकि इसके जुलाई 2023 में टोटल 11710 यानी कि 11710 यूनिट स्कूटर्स की बिक्री हुई है, लेकिन पिछले महीने के मुकाबले में 22.33% की इसकी बिक्री में बढ़ोतरी भी देखी गई है। वही इस लिस्ट में जो 7th नंबर पे है यामा कंपनी की रेजेडार 125 सीसी में स्कूटर आती है, पिछले महीने 5th नंबर पे थी और इसके जुलाई 2023 में टोटल 15828 यानी कि 15828 यूनिट स्कूटर्स की बिक्री हुई है, जबकि पिछले महीने मुकाबले में 17.75% की इसकी बिक्री में बढ़ोतरी भी देखी गई है। इस लिस्ट में जो 6th नंबर पे है सुजुकी कंपनी की बर्गमन है, ये पिछले महीने भी इसी नंबर पे थी और इसके जुलाई 2023 में टोटल 17500 यानी 17500 यूनिट स्कूटर्स की बिक्री हुई है, जबकि पिछले महीने मुकाबले में 43.6% की इसकी बिक्री में बढ़ोतरी भी देखी गई है। इस लिस्ट में जो 5th नंबर पे होंडा कंपनी की डीओ 110 है, पिछले महीने 8th नंबर पे थी, इस महीने काफ़ी आगे आ गई है और इसके जुलाई 2023 में टोटल 20414 यानी कि 20414 यूनिट स्कूटर्स की बिक्री हुई है और ये डीओ का 110 सीसी वेरिएंट वाले की बात कर रहे हैं, 125 सीसी थोड़ी सी पीछे है इससे और ये पिछले महीने मुकाबले में 122% की इसकी बिक्री में बढ़ोतरी भी देखी गई है। वहीं सिस्टम में जो 4th नंबर पे है टीवीएस कंपनी की एंटॉर्क है, पिछले महीने इसी नंबर पे थी, 125 सीसी में स्कूटर आती है, उसके जुलाई 2023 में टोटल 25839 यानी कि 25839 यूनिट स्कूटर्स की बिक्री हुई है, जबकि पिछले महीने मुकाबले में 7.9% की बिक्री में कमी आई है। इस लिस्ट में जो 3rd नंबर पे है ये भी पिछले महीने इसी नंबर पे थी, सुजुकी कंपनी की एक्सेस 125 सीसी में आती है और इसके जुलाई 2023 में टोटल 51678 यानी कि 51678 यूनिट स्कूटर्स की बिक्री हुई है, पिछले महीने मुकाबले में 30.82% की इसकी बिक्री में बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं इस लिस्ट में जो 2nd नंबर पे है टीवीएस कंपनी की जुपिटर है, इसमें काफ़ी सारे आपको वेरिएंट मिल जाते हैं, 110 सीसी 125 सीसी दोनों मिल जाता है और इसके जुलाई 2023 में टोटल 66439 यानी कि 66449 यूनिट स्कूटर्स की बिक्री हुई है, जबकि पिछले महीने मुकाबले में 3.4% की इसकी बिक्री में बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। वहीं इस लिस्ट में जो पहले नंबर पे ऑल टाइम पहले नंबर पे रहने वाली होंडा कंपनी की एक्टिवा है, इसमें भी 110 सीसी और 125 सीसी में स्कूटर मिल जाते हैं, इसके जुलाई 2023 में टोटल 135327 यानी कि 135327 यूनिट स्कूटर्स की बिक्री हुई है, जबकि पिछले महीने मुकाबले में 3.43% की इसकी बिक्री में बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। तो यहाँ पे
ये 15 वो स्कूटर्स हैं जो कि जुलाई 2023 में बेची गई हैं सबसे ज़्यादा, या भी कह सकते हैं खरीदी गई हैं। इनमें से ज़्यादातर स्कूटर्स की बिक्री पिछले महीने के मुकाबले में काफ़ी अच्छी हुई है। कुछ ही ऐसे जो स्कूटर हैं जिनके बिक्री में कमी आई है, फिर भी ये टॉप 15 की लिस्ट में है, जैसे कि TVS Ntorq हो गया, हीरो कंपनी की जूम हो गई, सुजुकी अवेनिस, हीरो डेस्टिनी, हीरो मेस्ट्रो, इनके बिक्री में थोड़ी बहुत कमी आई है, फिर भी ये टॉप 15 के लिस्ट में है। बाकी सबसे ज़्यादा होंडा डियो की बिक्री में बढ़ोतरी देखने को मिली है पिछले महीने के मुकाबले में। उसके बाद सुजुकी बर्गमन, सुजुकी एक्सेस, यामा फसिनो, TVS जेस्ट, इनके बिक्री में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो यहाँ पे इनमें से कौन सा स्कूटर आपने जुलाई 2023 में परचेस किया है या फिर आगे खरीदने की सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस तरीके का वीडियो आपको हर महीने का सेल्स फिगर इस चैनल पे देखने को मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाइक के ऊपर इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी देख सकते हैं, ये केवल स्कूटर्स के लिए है। बाकी हर महीने का जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स होते हैं उनके ऊपर वीडियो आती रहती है हर महीने के 1 या फिर 2 तारीख को, तो वो भी आप हर महीने का देख सकते हैं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि जैसे कोई वीडियो नया आता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो बेल आइकन को भी दबा के रखिएगा जिससे कि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। यहाँ पे इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।